हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नई वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करने वाले कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं मार्केटिंग के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री सर्वाइव कंपनी नहीं कर सकती। अब क्या है कि मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी को स्टैंड करने के लिए, या किसी भी कंपनी को जो है आगे तक ले जाने के लिए, या ग्लोबलाइजेशन तक ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गोदरेज कंपनी है, गोदरेज भी अपनी कंपनी में अपने गोदरेज के आपके अलमेरा भी आती है, सोप्स भी आते हैं और डिफरेंट टाइप के अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। लेकिन गोदरेज क्या है, आपकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग आपका कंज्यूमर के हिसाब से करती है। तो ये आपका एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात आती है नीड की। नीड का मतलब होता है कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है, वॉन्ट, कस्टमर क्या चाहता है, और पर्सनली क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या, पर्सनली कस्टमर क्या चाहता है, इसके बारे में जो है बात करते हैं वॉन्ट में। फिर अब बात करते हैं डिमांड। कस्टम जब इन दोनों नीड और वॉन्ट को समझने के बाद जब समझ लेते हैं तो हम उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट को बनाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, डिमांड मिलती है। यानी कि कंज्यूमर की नीड को हमने पूरा कर दिया तो वो इच्छुक होता है हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग ऑफरिंग्स। ऑफरिंग का मतलब होता है कि जो हम अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे जो है अपनी कंपनी को इस पोजीशन पे ले जाते हैं जहाँ पे हमारी मार्केटिंग सिनेरियो के बिहाव पे हमारी कंपनी ग्लोबलाइजेशन तक पहुँचने के साथ साथ जो है हम अपने प्रोडक्ट पर स्टैंडर्ड के सेफ्टी नॉर्म्स भी कंज्यूमर को के एहतियात के लिए भी बरतते हैं। तो कहने का मतलब ये कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए। फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में हमारा होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो एक प्रोसेस होना चाहिए। आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे पास आइडियाज़ हैं उसमें इनोवेशन करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज में। फिर हम बात करते हैं टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स का मतलब होता है वो मार्केट उसी ज़रूरत उस प्रोडक्ट को वहीं पे हम फोकस करते हैं जहाँ पे वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको बताते हैं कि बिग बाज़ार है। बिग बाज़ार क्या करता है, बिग बाज़ार सबके लिए टारगेटेड नहीं होता। देखिए, बिग बाज़ार में आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको वहाँ पे मिडिल क्लास और हाई लेवल क्लास में जाते हैं। तो वहाँ पे हम डिस्काउंट ऑफर्स भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको डिस्काउंट ऑफर्स के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, बाय वन गेट वन फ्री। तो वहाँ पे कस्टमर को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। ऑल परवेसिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब कस्टमर अपने हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा तो वो अगेन ऑर्डर को प्लेस करेगा। फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है जो हमारा कॉम्पिटिशन की कंपनी है वो क्या कर रही है, उसमें अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूव करते हैं। कॉर्पोरेट इमेज, अगर हमारी कॉर्पोरेट की इमेज अच्छी है तो हमारे हर प्रोडक्ट जो है सेल होगा। जैसे अमूल है, अमूल का दूध आता है, लेकिन अमूल का मक्खन भी आता है, मट्ठा भी आता है और भी डिफरेंट वैराइटीज आती है। तो अमूल के नाम पे बहुत सारी जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके बिकते हैं, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट इमेज। फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देना, तो बिजनेस को जो है डेवलप करना और उसको जो है स्प्रेड करना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो हमारा गोल और टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। फिर आता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। हमारा मार्केटिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे सेल्स के पर्सन हैं, यानी कि जो मार्केटिंग के बंदे हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीसफुली को बनाए रखें, और जिससे कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, यानी कि वो हमें बिल्कुल सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिशन से भी आगे बढ़ सकें। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है मिल जुल करके काम करना, यानी कि सामंजस्य से बना के काम करना। यानी कि हमें ये देखना होता है कि हम जो मार्केटिंग की जो टीम है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सभी से जो है सामंजस्य से बना करके चलती है, जिससे कि वो जो है अपनी जो ऑब्जेक्ट गोल को ईजिली पा पाते। फिर आते सोक्लिश इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।